दोस्तों आज हम देखेंगे फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। ये क्या है? फॉर्मिक एसिड। ये क्या है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिख लेते हैं। फॉर्मिक एसिड को ऐसे भी लिख लेते हैं, ये C हो गया, ये सिंगल बॉन्ड H हो गया, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड O हो गया, ये सिंगल बॉन्ड O हो गया, सिंगल बॉन्ड H हो गया, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, जैसे ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? चार होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? दो होती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? वन होती है, ठीक है। तो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, और पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, ठीक है। तो कार्बन है, कार्बन के पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, और ये दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अष्टक नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल के अनुसार इसके बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको कितने और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 4 इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4, ठीक है। इसीलिए कितने बॉन्डों से जुड़ा रहता है? 4 बॉन्डों से, 1, 2, 3, 4। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होगा तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, दूसरी सेल में कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब दूसरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन को ऑक्टेट रूल के अनुसार ऑक्सीजन के बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता। तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2, ठीक है। इसीलिए ऑक्सीजन कितने 2 बॉन्डों से जुड़ा रहता है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका मतलब है हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्टेट रूल के अनुसार हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब बाहर वाली सेल में कितने 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन क्या है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन से ही साझा करके अपने बाहर वाली सेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन कर सकती है, ना कि 8, ठीक है। तो इसलिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 1, भाई हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितना 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट रूल के अनुसार ये कितने 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कर सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको मैक्सिमम कितने 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1, इसलिए कितने बॉन्डों से जुड़ा रहता है? 1 बॉन्ड से, ठीक है। अब यहाँ पर इसको और बिंदु सूत्र के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। कार्बन है, कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो ये देखेंगे आप इस कंडीशन में देखेंगे, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या करेगा? कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करके अपने बाहर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कर लेगा, ठीक। ऐसे करके इसमें क्या करेगा?
हाइड्रोजन के बाहर वाली साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, और ये ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ सहायक करके बाहर वाली साइड में कितने कुल इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के बाहर वाली साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के बाहर वाली साइड में कितने इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसने क्या करा, एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ सहायक कर लिया, और क्या करेगा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ सहायक कर लेगा, ये टोटल कितने हो जाएंगे। अब इस कार्बन के साथ देखिए क्या करा, कार्बन ने क्या करा है, कार्बन के बाहर वाली साइड में कितने, चार इलेक्ट्रॉन, आठ इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसने क्या करा, एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ सहायक कर लिया, एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ सहायक कर लिया, ठीक है। और क्या करेगा, और दो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ सहायक, और इस ऑक्सीजन का देखेंगे, ये ऑक्सीजन ने क्या करा, ऑक्सीजन के बाहर वाली साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है, छह इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसने क्या करा है, कार्बन से दो इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लिया है, तो कितने कर लिया, आठ इलेक्ट्रॉन कर लिया। दोस्तों एक फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है, इसमें फॉर्मिक एसिड में क्या है, एक कार्बन है, दो हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, कार्बन की वैलेंसी चार होती है, तो कार्बन चार बॉन्डों से जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन की एक वैलेंसी होती है, तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड से जुड़ा रहता है, और ऑक्सीजन की दो वैलेंसी होती है, तो ऑक्सीजन दो बॉन्डों से जुड़ा रहता है, ठीक है। अब कार्बन क्या है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है छः, और जिसका जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का कितना एटॉमिक नंबर, छः है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, छः होंगे। तो कार्बन का पहले सेल में कितने, दो इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल में कितने, चार इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट रूल के अनुसार कार्बन क्या है, वो क्या करेगा, अपने बाहर वाली सेल में आठ इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, आठ इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसको चार इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, चार। इसीलिए कार्बन क्या है, चार बॉन्डों से जुड़ा रहता है। अगर कार्बन, अगर मान लो यहाँ पर कार्बन एक ही बॉन्ड बनाएगा तो उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, ठीक है ना, और ऑक्टेट पूरा नहीं होगा या मान लो चार बॉन्ड पूरे नहीं होंगे, तो इसका मतलब फॉर्मूला गलत है ना। तो क्या करेगा, इसके साथ सिर्फ बॉन्ड बनाएगा तभी फॉर्मूला कंप्लीट होगा, तभी कार्बन का ऑक्टेट पूरा होगा, कार्बन के चार बॉन्ड पूरे होंगे, ठीक है। और अगर इस कंडीशन में, अगर इस कंडीशन में ये है तो ऑक्सीजन से भी बाहर वाली सेल में छह इलेक्ट्रॉन है, एक से ही साझा करेगा तो साथ ही सात इलेक्ट्रॉन ही तो होंगे, पहले कितना छह इलेक्ट्रॉन है, एक से साझा कर लेगा तो कितने होंगे, सात ही होंगे, और करना कितना है, एक और करना है, प्लस एक और करना है, मतलब आठ करना है, ठीक है ना। तो वो है ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आठ होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आठ होता है। ऑक्सीजन की जो पहली सेल होती है उसमें कितने, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो दूसरी सेल होती है उसमें कितने, छह इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्टेट रूल के अनुसार ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने बाहर वाली सेल में आठ इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, तो आठ इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉनों से साझा करेगा, तो दो इलेक्ट्रॉनों से साझा करेगा तभी उसमें कितने, आठ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, इसीलिए उसकी वैलेंसी। अब यहाँ पर इस कंडीशन में क्या है, ऑक्सीजन क्या है, दो इलेक्ट्रॉनों से साझा कर रहा है, एक तो उसने क्या, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिया, ठीक है, एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिया, तो उसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। इस कंडीशन में क्या करा, हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, और यहाँ पर इस कार्बन ने ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों से साझा करके अपना ऑक्टेट पूरा करा है, और इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से साझा करके अपना ऑक्टेट पूरा करा है। अब एक चीज और है,
ये ऑक्सीजन को हम यहां ना लिख के हम यहां पर भी ऐसे कर सकते थे और इसको हम खत्म कर सकते थे, कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। और इस हाइड्रोजन को यहां ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।